गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है विनीत दालिया और आप देख रहे हैं विनीत दालिया ब्लॉगिंग को। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा कि मैं हरियाणा रखा था अपनी बहन के मामा के घर पे, तो अभी हरियाणा में ही मैं सुबह उठी है, तो मैं चलो ब्लॉग में आता हूँ। और अभी मैं छत पे खड़ा हूँ। कल तो यहाँ इतनी ठंड थी कि छत पे खड़ा होना क्या, घर में भी बिना क्या मैं ब्लैंकेट या रिजाई के हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। और आज तो इतनी ठंड नहीं है कि सुबह सुबह इतनी ठंड नहीं है। और अभी गुड मॉर्निंग हुई है तो अभी उठे हैं, बस अभी चलते हैं नीचे, फ्रेश व्रेश होते हैं यार, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से क्योंकि आज दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि कल बहुत ज़रूरी काम है मेरा। और ये दोनों व्लॉग हैं ये दोनों बाद में आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ लैपटॉप लाना भूल गया था, तो मैंने एडिट नहीं करा, घर जाके नहीं एडिट भी करूँगा मैं। तो चलो आपको यहाँ का सुबह का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। व्यू तो यहाँ पे है नहीं, पर थोड़ा बहुत देखो आप, ये थोड़ा व्यू है सुबह का यहाँ से, थोड़ी हल्की हल्की धुंध और हल्की हल्की ठंड। और यहाँ की बात ये है कि यहाँ पे हल्का सा भी पोल्यूशन नहीं है, और मतलब घूमने ही मज़ा आता है कि पोल्यूशन नहीं है तो सांस लेने में ना दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन फ्री है यहाँ पे पूरा, और ग्रीनरी है तो ऑक्सीजन भी अच्छा आता है। और यहाँ पे अभी अभी तो हल्की हल्की ठंड है, तो मुँह से भी ऐसा निकल रहा है कि धुआं निकल रहा है मुँह से, आप देख पा रहे हो इतनी हल्की हल्की ठंड है यहाँ पे। तो चलो नीचे चलते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। सो गाइस, भाई अपना प्लॉट दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पे भैंस है और दूध वूध सब है वहाँ पे, चलो दिखाते हैं आपको। और वहाँ पे भैंसों का खाना भी है तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी जा रहे हैं। सो गाइस पहुँच चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे आगे भैंस है, ये भैंस है कचड़ा है, अच्छा बेहाना भाई बोलो सर, कैसे बोलो, इंट्रोडक्शन करवाओ। उठेगी कि ना, तेरा कुत्ता ना उठ जाए मालिक आते ही। तो गाइस ये भैंसों के पानी पीने के लिए है, और ये इनका खाना है, और ये भैंस है, और देखो एक छोटा बच्चा। और गाइस जब बारिश वारिश आए तो भैंसों को यहाँ रखते हैं अंदर और बाहर बांध देते हैं सुबह थोड़े। तोड़ा है भैंसों को खाना, और डालो कितनी क्वांटिटी में, तेरा किसी और के घर में नहीं होता, इंसानों के लिए भी इतना खाने रखते जितने भैंसों के लिए रखते हैं। ये देखो ये ऐसी लग रही है कि लाल मिर्च हो, और यहाँ पे बहुत सारी है, मेरे को तो पहले ऐसे लगा कि लाल मिर्च है, बाहर पता लगा ये और कुछ है, ऐसी लग रही है कि लाल मिर्च हो। तो गाइस हम बाइक पे बाल कटवाने जा रहे हैं, कि भाई को बाल कटवाने तो जा रहे हैं और बाइक पे जा रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, भाई बाइक चला रहा हूँ। हम धीरे धीरे जाएंगे, बाइक थोड़ी अजीब सी है, ख़राब सी है, धीरे धीरे अजीब अजीब से चलते हैं, चलो चलते हैं। खेत बड़े प्यार से दिख रहे हैं, इधर भी हैं बड़े प्यार प्यारे खेत दिख रहे हैं। बाइक पे गाड़ी में होते तो दिखते ही नहीं है इतने, अब बाइक पे होता तो इधर कितने प्यारे हैं। और दूर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक इतने अच्छे अच्छे सरसों के खेत हैं, लेफ्ट में राइट में भी नहीं है। आप लोग नहीं कर रहे बाइक में बहुत तेज हवा है, फोन ज़्यादा नॉइस भी आ रही है, तो डायरेक्ट हम आपको वहाँ मिल के बात करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ से बाहर। आज खाने में है रायता, आलू की सब्जी और पूरी, और अभी खाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि आज अभी भी लेट हो रखे हैं, क्योंकि हम बाल कटवाने चले गए तो खाते हैं। सो गाइस खाना हो चुका है, गाड़ी में सामान रख रहे हैं, सामान रखने आए, खाना हो चुका है, गाड़ी में सामान रखने आया था, सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं। अभी यहाँ से एक और जगह जाना है, क्योंकि जो मेरी बहन है उसकी ज़्यादा जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मुँह से गए,
तो अभी एक और मुझे घर जाना है, फिर वहाँ से हम घर जाएंगे, शायद आई थिंक 9-10 बज जाएंगे मुझे घर पहुँचते। तो आज का व्लॉग आप इन्जॉय करिए। कल वाला जो व्लॉग है वो हो चुका था, तो मैंने देखा उस पर एक दो कॉपी रही थी, तो मैंने वापस से ठीक करके डाल दिया है। अब जो ये व्लॉग है तो मैं एडिट, जैसे मैंने पहले बोलते एडिट घर जाके होंगे, तो व्लॉग थोड़ी लेट आएगी। क्या है यहाँ से गाड़ी को बाहर निकालना, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है और पीछे भैंस बंधी हुई है, तो यहाँ से गाड़ी निकालना सबसे बड़ी टास्क है। कि पहले इस गाड़ी को यहाँ मोड़ते हैं फिर निकलते हैं, तो गाड़ी मोड़वा के मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो यहाँ गाड़ी कैसे मोड़नी पड़ी है, गलियों में घुसा के मोड़ते हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ एक टास्क है, क्यों आगे भैंस बंधी हुई है, इन भैंसों का हटाना एक सबसे बड़ा टास्क है, तो इन्हें हटाते हैं फिर गाड़ी मोड़ते हैं। तो गाइस निकल रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं, तो निकल रहे हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी भाई निकल देगा गाड़ी, तो मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट आगे, कोई व्यू वगैरह दिखाएंगे आपको। फिर से उसी हाईवे पर आ चुके हैं जिस पर हम कल थे, और इस हाईवे पर चलते हैं आगे और फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं। तो गाइस यहाँ पे बंदर है और आगे उसके आगे जब आगे जाएंगे दिखाएंगे, वहाँ जंगली सूअर भी हैं और यहाँ बंदर भी है, पीछे भी बहुत सारे हॉस्पिटल के पास भी बहुत सारे बंदर हैं। मैं सूअर की जो बात करता हूँ, ये बहुत सारे चार होंगे कम से कम 10-15 सुअर हैं यहाँ पे। इस गली में जाना था, तो यहाँ पे एक गड्डी पे हटवा रहे हैं, जब ये गाड़ी निकलेगी इतनी बड़ी गाड़ी होने का ये डिसएडवांटेज है, ये कहीं से भी निकल नहीं पाती, बहुत जगह लेती है, तो यहाँ से निकल के हमें इस गली में जाना है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, अभी इनकी नया नया घर बनाया, घर देख रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से भी जल्दी जाएंगे, हमें घर जाना है, घर जाने में कम से कम ये बड़ी सी मिलेगी, 9-10 तो बज ही जाएंगे आज। सो गाइस यहाँ से भी निकल रहे हैं, 2 बज गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, घर पहुँचने में टाइम तो लगेगा, हम निकल रहे हैं। तो रास्ते में मुश्किल हो देखो, फिर आपको मैं ज़्यादा घर मिलूँगा। आज का व्लॉग जो है ये छोटा ही होगा, जी लोग ये छोटा होगा, तो आपको जाना तब घर में। उतरे कि पापा ने बोला था आते समय मिर्च ले आना, तो देखते हैं अच्छी है ये मिर्च नहीं। पापा ने बोला था आते समय मिर्च जरूर लानी है, और कम से कम मिर्चा पर फोन भी कर चुके हैं आपको मिर्च के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे बड़े पापा देख रहे हैं मिर्च अच्छी होगी तो इसको लेंगे। सो गाइस ये मिर्च तो बेकार है, पास नहीं हुई थे नहीं ले, तो देखते हैं आगे होगी तो लेंगे, नहीं तो फिर क्या रखते चलते हैं। अभी अमरूद खाने के लिए रुके हैं क्योंकि भूख ले रही थी, अमरूद खाने मसाला भाई तो लगा दो भाई, नहीं तो अमरूद खाते हो फिर घर पहुँचते हो नींद भी आ रही है, तो सोच रहा हूँ आपको घर ही मिलूँगा, नींद आ रही है, हम सिर मोड़ लगी तो उसका भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है सिर में, तो बैठ अमरूद खाते हैं और फिर घर मिलते हैं आपको। तो उतरे देखते हैं ये मिर्च, मेरे हिसाब से तो मिर्च सही नहीं है, तो देखते हैं ये मिर्च सही होगी तो लेंगे। अभी बड़ी मम्मी चेक कर रही है मिर्च सही है ये है, देखते हैं मिर्च सही है यार, देखते हैं कैसे सही मिर्च होंगी तो इनको लेंगे, मम्मी ले लेगी, मैं तो गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है और अभी बीच में सो भी गया था तो मेरे सिर में लग गई थी, क्योंकि जो वहाँ का जो गेट था वो उसके मेरे सिर में लग गया था, तो मैं अभी गाड़ी में बैठ के सो लूँगा और अभी भी सो ही रहा था, तो आपको घर जाके मिलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो मैं घर में पहुंच चुका हूं, आज घर में जल्दी आ गए, हम 5 बजे पहुंच चुके हैं घर, क्योंकि हमें जाम नहीं मिला था रास्ते में बिल्कुल भी, तो 5 बजे पहुंच चुके हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, रास्ते में मैंने गुड़गांव के बाद व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं सो गया था और मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द होने लग गया था, उस जो लगी थी सिर में, तो फिर मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया था।
इस व्लॉग को हैंग करते हैं। ये व्लॉग अच्छे से तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।